हेलो बच्चों टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स ताकि आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की हर प्रॉब्लम इजीली कर पाए सबसे पहले सवाल आता है व्हाई यूनिट एंड डायमेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं हम क्लास में ये चैप्टर सबसे पहले देखिए फिजिक्स डील करती है नेचुरल फिनोमुनाज के साथ और हर लॉ के फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने से पहले एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जरूरी है फॉर एग्जाम्पल हम मैराथन में रन करते हैं तो दोस्तों को सबसे पहले क्या बताते हैं हमने कितना लेंथ रन किया अगर हम कहें कि हमने 21 रन किया तो क्या आपको समझ में आएगा कितना डिस्टेंस रन किया गया है नहीं फिर आपसे दोस्त पूछेंगे कितने टाइम में रन किया अगर आप कहेंगे वन टाइम में किया तब भी समझ में नहीं आएगा कि वन का मतलब कितना टाइम हुआ दोस्तों हर क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन्हें रिपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स को बिना यूनिट्स के हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकते इनफैक्ट मेजर भी नहीं कर सकते तो लेंथ को हम रिपोर्ट करते हैं मीटर में टाइम को करते हैं सेकेंड्स में लेंथ के लिए मीटर टाइम के लिए सेकेंड मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड किलोग्राम इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और लेंथ टाइम एंड मास को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जिनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हैं जैसे मीटर और सेकंड यूज करके मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट होती है लेकिन ये यूनिट्स खुद किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बन सकती मीटर सेकंड, किलोग्राम क्या इनके अलावा और भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं बिल्कुल हैं टेम्परेचर के लिए यूनिट है कैलविन इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और एक और यूनिट है जो केमिस्ट्री में यूज आती है जी मोल टू डिफाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं प्लेन एंगल इसके लिए हम रेडियन यूज करते हैं और सॉलिड एंगल जिसके लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं पहले हमने बात की थी फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड को यूज करके बनती है स्पीड मेजर करने वाली यूनिट मीटर पर सेकेंड ऐसी ही यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बनती हैं कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटीज मेजर करने और रिपोर्ट करने के लिए हमने यूनिट्स तो बना दी लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हर कंट्री में एक लेंथ को ही मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स निकली कहीं मीटर्स तो कहीं फीट अब क्या करें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन तब सभी साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो सभी यूज करें इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को एस आई यूनिट्स बोला गया टेबल में आपको सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज एस आई यूनिट और उनके सिंबल्स के साथ दिए गए हैं एस आई सिस्टम को भी सभी फॉलो नहीं करते नए नए और सिस्टम बन गए जैसे सी जी एस जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मास ग्राम्स में और टाइम सेकेंड्स में मेजर होता है दूसरा यूनिट सिस्टम है एम के एस यूनिट सिस्टम इस यूनिट सिस्टम में लेंथ मीटर्स में मेजर करते हैं मास किलोग्राम्स में में और टाइम देखा जाए तो एम के एस यूनिट सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम का ही एक पार्ट है फिजिक्स में एमके एस सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है और भी कुछ यूनिट सिस्टम है जो आपको इस टेबल में समराइज करके दिए गए हैं आप इस टेबल को जरूर ध्यान से देखें और याद कर लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अलग अलग यूनिट सिस्टम्स में किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं साइंटिस्ट ने टेन टू दावर माइनस एटीन मीटर तक के स्मॉल डिस्टेंस को मेजर किया है और टेन टू दावर ट्वेंटी सिक्स मीटर तक के यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है वहीं टेन टू दावर माइनस थर्टी के इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर टेन टू दावर फिफ्टी थ्री नॉन यूनिवर्स के मास को एस्टीमेट किया है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये रेंज कितनी बड़ी हैं इन रेंजेस को सिंपलीफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ प्रीफिक्सेस बनाए जो हमने आपके लिए इस टेबल में समराइज किया है जैसे वन नैनो इक्वल्स टू टेन टू द पावर नाइन सो लेंथ के केस में 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स और टाइम के केस में 1 नैनो सेकंड इक्वल्स टू टेन टू द पावर माइनस नाइन सेकेंड्स प्रिफिक्स का मतलब हुआ कि हम इन्हें यूनिट से पहले ऐड करते हैं जैसे मीटर से पहले हमने नैनो यूज किया तो नैनोमीटर बन गया और अगर सेकेंड से पहले नैनो यूज किया तो नैनो सेकेंड बन गया हम फिर से स्पीड वाले एग्जाम्पल पर आते हैं स्पीड यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है मीटर की पावर वन है एंड सेकेंड्स की पावर माइनस वन इसी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम की टर्म्स में लिखे तो कैसे दिखेगा लेंथ टू द पावर वन टाइम टू दावर माइनस वन या फिर शॉर्ट फॉर्म में एल टू द पावर वन टी टू दावर माइनस वन अगर डेंसिटी की बात करें तो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम वॉल्यूम को लेंथ की टर्म्स में मेजर करते हैं लेंथ रेस टू द पावर थ्री तो डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में कैसे लिखेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ टू पावर थ्री या फिर शॉर्ट फॉर्म में एम टू पावर वन एल टू पावर माइनस थ्री दोस्तों ये जो पावर्स हैं वन माइनस थ्री माइनस वन एटसेट्रा जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हें डायमेंशंस कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के हमने पहले सिंबल देखे थे टेबल में इन्हें वापस देखिए। इन सिंबल्स को यूज करके जब हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रॉपर डायमेंशन तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जनरली अगर मास लेंथ या टाइम की टर्म एक्सप्रेशन में नहीं आती है तो भी हम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मिसिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर जीरो लेकर उन्हें शो कर देते हैं एक्सप्रेशन में हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हें शो ही करें जैसे डेंसिटी के डायमेंशन थे एम टू दावर वन एल टू दावर माइनस थ्री लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले में हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम टू दावर वन एल टू दावर माइनस थ्री टी टू दावर जीरो दोनों ही सही है क्योंकि टी टू दावर जीरो होता है वन एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन इसीलिए हम दोनों वेज में डायमेंशनल फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखते हैं स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है एम टू पावर जीरो एल टू पावर वन टी टू दावर माइनस वन आपने ये नोटिस किया होगा कि हम हर डायमेंशनल फार्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली हम ये शो करने के लिए लगाते हैं कि ये एक डायमेंशनल फार्मूला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको इस टेबल में दिए गए हैं आप इन्हें एक बार जरूर देखें और याद करने की कोशिश करें एक अच्छी बात नोटिस करने वाली यह है कि कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं तो आप इन्हें एक साथ याद कर सकते हैं साथ ही क्वांटिटीज की यूनिट्स एम के एस सिस्टम में भी दी गई हैं क्योंकि इनका यूज भी ज्यादा पॉपुलर है जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको इन क्वांटिटीज की डेफिनेशन और फॉर्मुले पता चलते जाएंगे तो अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी आप इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में चार वेराइटी के क्वेश्चन काफी पॉपुलर हैं जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पहला जो टाइप है उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहती है कि हम सेम डायमेंशनल फॉर्मुला वाली क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो फाइनल क्वांटिटी आती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये इक्वेशन दी जाए यहां v वेलोसिटी है और t टाइम और पूछा जाए कि a, b, c एंड d के डायमेंशन क्या हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से यह बता सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले से राइट हैंड साइड में जो टर्म्स एड हो रही है उन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन तो ए का भी यही डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन बी टाइम्स टी का भी एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन ही डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए यानी हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टाइम्स कैपिटल टी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन यहां से बी के डायमेंशन आते हैं डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस टू इसी तरह लास्ट टर्म सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टाइम टी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी होना चाहिए एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन लेकिन पहले डी की अगर बात करें तो ये टाइम में एड हो रहा है मतलब डेफिनेटली इसका डायमेंशन तो टाइम ही होना चाहिए तो D का डायमेंशन क्या होगा कैपिटल T इसीलिए डिनोमिनेटर का डायमेंशन होगा कैपिटल T तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कैपिटल T इक्वल्स टू एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन यहां से हमें डायमेंशन ऑफ C मिलता है L क्योंकि टाइम की टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाती हैं तो इस तरह हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके नॉन होमोजीनिटी निकाल सकते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपको कहा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ और टाइम की जगह कुछ और कंसिडर करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उनकी टर्म्स में निकालो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए फोर्स एफ वेलोसिटी वी एंड टाइम टी इन्हें फंडामेंटल यूनिट आपको कंसिडर करना है और मास की डायमेंशन आपको इनके टर्म्स में निकालनी है तो देखते हैं इस टाइप की problems को कैसे करना होता है फोर्स बाय डेफिनेशन हमें पता है mass times acceleration होता है मास टाइम्स होता यहां से हम मास को फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम की टर्म्स में लिखते हैं एक्सिलोरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम सो न्यूमरेटर में हमारे वेलोसिटी के डायमेंशन आएंगे और डिनोमिनेटर में टाइम के एफ इक्वल्स टू एम ए यहां से मास को हम लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए यहां से हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ मासवल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स टाइम्स डायमेंशन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एफ टू दावर वन वी टू दावर माइनस वन कैपिटल टी टू दावर वन थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में हमें एक रिलेशनशिप दिया जाता है और किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कंसिडर फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी वी एंड रेडियस आर डिराइव फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा इस रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू दावर ए वी टू दावर बी एंड आर टू दी पावर सी अब यहां पे हमें ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देखिए सबसे पहले तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल्स टू साइन इक्वेशन में लाना होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू के हमें यूज करनी होती है ये जो के की वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो सकता है और ये एक डायमेंशन वैल्यू होती है अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एम टू दावर वन कैपिटल एल टू दावर वन एंड टी टू दावर माइनस टू और राइट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूला है एम टू दावर ए टाइम्स एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन होल रेस टू दावर बी टाइम्स एल टू दावर सी अब देखिए जो राइट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसे एम एल एंड टी इनकी पावर्स में सिंप्लीफाई करना है यहां से वैल्यू आएगी एम टू दावर ए एल टू दी पावर बी प्लस सी एंड टी टू दावर माइनस बी अब हमें एम एल और टी इनकी पावर्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर वन है यही पावर राइट हैंड साइड में भी एम की होनी चाहिए यहां से हमें मिलेगा ए इक्वल्स टू वन लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर वन है यही पावर राइट हैंड साइड में होनी चाहिए यानी बी प्लस सी इक्वल्स टू वन और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर माइनस टू है तो राइट हैंड साइड में भी टी की पावर माइनस टू होनी चाहिए इसीलिए माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी यहां से हमारे पास वैल्यूज आएंगी ए इक्वल्स टू वन b इक्व टू टू एंड सी टू माइनस वन तो यहां से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला k टाइम्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लास्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना मान लीजिए आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है एम के एस यूनिट सिस्टम में हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको कहा गया है कि दूसरी कोई यूनिट सिस्टम है जिसमें फाइव सेंटीमीटर टेन ग्राम और टू मिनट्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ मास एंड टाइम की तो इस नई यूनिट सिस्टम में फोर्स की क्या वैल्यू आएगी यहां बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे हमारी यूनिट्स चेंज हो गई हो लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कभी चेंज नहीं होता है हर यूनिट सिस्टम में वो सेम रहेगा तो डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में हम फोर्स को लिख सकते हैं वैल्यू के साथ एफ इक्वल्स टू के टाइम्स एम टू दावर वन एल टू दी पावर वन टी टू दावर माइनस टू अब पहले यूनिट सिस्टम में मास किलोग्राम में है लेंथ मीटर में, में है और टाइम सेकंड्स में तो जब हम इन यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी हंड्रेड के जी टू दावर वन मीटर टू दावर वन एंड सेकेंड टू दावर माइनस टू दूसरी जो यूनिट सिस्टम हमें दी गई है उसमें मास की फंडामेंटल यूनिट हमें टेन ग्राम दी गई है लेंथ की फंडामेंटल यूनिट हमें फाइव सेंटीमीटर दी गई है और टाइम की फंडामेंटल यूनिट हमें टू मिनट्स दी गई है इन वैल्यूज को वापिस से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले में रख के फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी एफ इक्वल्स टू के टाइम्स टेन ग्राम टू दावर वन फाइव सेंटीमीटर टू द पावर वन एंड टू मिनट्स टू दावर माइनस टू यहां जो के की वैल्यू है वो ही हमें फाइंड आउट करनी है कि इस नए यूनिट सिस्टम में यह फोर्स की वैल्यू आखिर क्या होगी अब अगर हमने फोर्स की कोई वैल्यू मेजर करी है तो वो हर यूनिट सिस्टम में आनी तो सेम चाहिए। आप चाहे सीजीएस यूनिट सिस्टम लो यूनिट सिस्टम लो, या एस SI यूनिट्स लो वैल्यू हमारी फोर्स की सेम होगी तो यहां हमें यह बात पता चलती है कि जो हमारा पहला यूनिट सिस्टम है उसमें जो फोर्स की वैल्यू हमने लिखी है उसे हम इस दूसरे यूनिट सिस्टम के फोर्स की वैल्यू से इक्वेट कर सकते हैं अब हमें जो यहां से इक्वेशन मिली है उसमें हम यूनिट्स को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम को हम ग्राम्स में लिख देते हैं मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं और मिनट्स को हम सेकेंड्स में लिख देते हैं ताकि हम इजीली टर्म्स को लेफ्ट और राइट में कैंसिल आउट कर सकें यहां से सिंप्लीफाई करके हमें के की वैल्यू मिलेगी 288 एटी एट टाइम्स टेन टू दावर सेवन बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा फिर भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके हर डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो